इस्लाम पर विवादित टिप्पणी को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों का दुनिया भर में विरोध हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन की आड़ में जाकिर नाइक अपने भड़काऊ एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खिलाफ उनके लगातार भड़काऊ पोस्ट आ रहे हैं। जाकिर ने पहले सोशल मीडिया पर फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करने की अपील की थी। अब जाकिर नाइक ने एक और भड़काऊ पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि अल्लाह के दूत को गाली देने वालों को एक दर्दनाक सजा मिलेगी। वही नाइक की पोस्ट के बाद माहौल गर्म हो गया है। बता दें कि जाकिर नाइक पर भारत में भी लोगों को भड़काने का आरोप है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।